एक तरह की पनीर की सब्जी हम बनाते बनाते बोर हो जाते हैं और खाने का भी मन नहीं करता है। तो आज हम अलग तरीके से जो सब्जी बनाएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से, कुछ मीठी कुछ तीखी। तो चलिए बनाते हैं आज पनीर सास्विक। ये बहुत ही अलग हटके है, क्रीमी टेक्सचर में है। तो सबसे पहले हम वेजेस कट कर लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और प्याज। इसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। जब तक हमारा सब्जी कट हो रहा है तब तक गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा रेसिपी। झटपट तैयार होने वाला ये पनीर की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है। सब्जियाँ कट गई है, अब हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डाल देते हैं 2 चम्मच। इन सब्जियों को हमें अब पका लेना है। सॉफ्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। इसमें चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन मिला देते हैं। कट किया हुआ पनीर मिला देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में हम पनीर को काटेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए पीसेस। स्वाद के अनुसार नमक मिला लेते हैं। जब तक हमारी सब्जी पक रही है हम उसकी तरी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी फ्रेश मलाई लिया है और इसमें 4 चम्मच बड़े चम्मच से हमने सॉस मिला दिया है, टोमेटो सॉस। इसमें अब हम काली मिर्च मिला देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहेंगे तो ज़्यादा ही इसमें डाल देते हैं। इसमें हम मिला देते हैं मिक्सचर। इसमें थोड़ा पानी मिला देते हैं क्योंकि ये बहुत ही गाढ़ी है। एक चिली पाउडर मिला लेंगे। इसे हम गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। सब्जी हमारी तैयार हो रही है, पत्ते के कलर भी आ गया है और इसे हम राइस के साथ गर्मा गर्म परोस देते हैं। ऊपर से हमने टॉपिंग किया है चेरी से, बहुत ही टेस्टी लगता है।